नमस्कार दोस्तों, मैं किरण रावत आप सभी का अपने चैनल आओ बदलो जिंदगी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस कढ़ाई में आज मिल्क रखा है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध की ठंडी बोतल। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती रहती है तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है, तो मैं आज आपके सामने यही शेयर कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने इसमें करीबन 1.25 लीटर दूध डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको चलाऊंगी। मैं फुल आंच पे बना रही हूँ। जैसे कि इसको चलाते हुए मुझे 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं दूध, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देख रही है कि अब ये दूध गाढ़ा हो गया है। तो मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी लो कर दी है और मैंने यहाँ पर लिया है कुछ थोड़ा सा दूध, और मैं आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था तो मैंने इसमें करीबन 1.25 लीटर में एक चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। और मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है थोड़ा सा दूध में। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी, इसे धीरे धीरे डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। अब मैं इसको कम से कम 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही पकाऊंगी। और ये मैं चीनी डाल रही हूँ, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जितना मीठा लेते हैं आप उतना यूज कर सकते हैं। इलायची भी है और उसमें मैंने 4-5 इलायची कूट ली के डाल रही हूँ। मेरे पास पिसी भी नहीं थी तो मैंने इसे कूट लिया था फ्लेवर के लिए, तो इसमें मैंने इसे ही डाल दिया है। और इसमें मैंने अभी थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था, इसमें थोड़ा बादाम, तो इसको भी मैं थोड़ा इसमें डाल दूँगी। और मैंने थोड़ा सा ये चॉप कर लिया है, इसको बाद में गार्निशिंग के काम आएगा ये। मैं इसको कम से कम 2-3 मिनट तक इसे यूं ही पकाऊंगी। मिल्क बनकर हो गया है तैयार। मैंने अभी कम बनाया है क्योंकि बच्चे एक ही टाइम में कभी अगले दिन डिमांड कर देते हैं लस्सी की, तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है तो कभी मिल्क ठंडे दूध की बोतल बना देती हूँ। तो